ખેડૂત નેતા રાકેશ તિક્કેલ આજે અંબાજી પહોંચ્યા, સાથે શંકરસિંહ વાઘેલા પણ હાજર રહ્યા. દિલ્હીમાં ખૂબ ચર્ચાસ્પદ બનેલા નેતા એવા કિસાનો માટે આંદોલન કરી રહેલા કિસાન નેતા રાકેશ ટિકેત આજે યાત્રાધામ અંબાજીમાંના દર્શન કરવા આવી પહોંચ્યા હતા. આજ અંબાજીથી રાકેશ ટિકેત અને શંકરસિંહ વાઘેલા કિસાન સંવાદ યાત્રાનો પ્રારંભ કરશે. આજે સવારે રાજસ્થાનના આબુરોડથી રાકેશ ટિકેત અંબાજી આવી પહોંચ્યા હતા. ગુજરાતની છાપરી બોર્ડર પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમ પણ તૈનાત રાખવામાં આવી હતી. ગુજરાતની બોર્ડર પર ખેડૂતો રાકેશ ટિકેતના સ્વાગત માટે ઉત્સાહપૂર્વક ઉમટી પડ્યા હતા. ત્યાંથી રાકેશ ટિકેત અંબાજી આવી પહોંચ્યા હતા અને શંકરસિંહ વાઘેલા સાથે મા અંબાના મંદિરમાં દર્શન કર્યા હતા. ત્યારબાદ રોડ શો સ્વરૂપે શક્તિદ્વારથી ડીકે સર્કલ સુધી રેલી કાઢી હતી. રાકેશ ટિકેતે ખેડૂતોના સંબોધનમાં જણાવ્યું કે આ ખેડૂતો માટેનું આંદોલન છે, આ કોઈ પક્ષ ધર્મ જાતિ માટે નથી. આ આંદોલન થકી ગુજરાતના ખેડૂતોને જગાડવામાં આવશે, ખેડૂતોને ફસલની પૂરી કિંમત મળે તે માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. અહીંથી ગુજરાત આંદોલન શરૂ થઈ રહ્યું છે, જેમાં શંકરસિંહ બાપુ પણ સાથે છે અને બીજા લોકો પણ સાથે જોડાશે. જો ગુજરાતમાં આંદોલનને કોઈ પણ છેડખાની કરશે તો અમે પૂરી તૈયારી સાથે આવ્યા છે, 20 મિનિટમાં પૂર્ણ ભારત બંધ કરાવી દઈશું, એવી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. ત્યારબાદ શંકરસિંહ વાઘેલાએ પણ ખેડૂતોનું અભિવાદન કર્યું હતું અને રાકેશ ટિકેતનો ધન્યવાદ કર્યો હતો. અંબાજીથી ખેડૂત સંબોધન કર્યા બાદ રાકેશ ટિકેત પાલનપુર જવા નીકળ્યા હતા. અરવિંદ અગ્રવાલ, ZS TV, અંબાજી. लोगों से मिलेंगे. आज अंबाजी की यात्रा पर निकले हैं और अंबाजी से अंबा माता के दर्शन करके वहाँ का आशीर्वाद लेके उसके बाद में गुजरात में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे और कई जगह के प्रोग्राम हैं. बाडोली का भी प्रोग्राम है, साबरमती का भी प्रोग्राम है, तो इन सब जगह पे जाएंगे. किसानों की क्या क्या समस्याएँ हैं उनसे रूबरू होंगे. MSP पे खरीद हो रही नहीं हो रही उस पर बात करेंगे. जो 3 कानून हैं जो सरकार ले कर आई है उसमें क्या खामियां हैं, पूर्ण रूप से कानून काले हैं उसके बारे में बताएंगे, तो इन सब सवालों पर बातचीत हो. विशेष रूप से क्या आवश्यकता पड़ी है गुजरात को, खेडूत को लेकर आपको, जिसकी आवाज़ बनने के लिए आप पहुँचे? नहीं तो पूरे देश में जा रहे हैं ना हम तो. भाई बंगाल जाते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव है वहाँ पर, गुजरात आते हैं तो गुजरात क्यों आए, तो देश की समस्या है, तो किसानों की समस्या है, तो जाना तो पड़ेगा ना पूरे देश में. खेडू कब तक इकट्ठा होगा? खेडू तो इकट्ठा है आज, फिर दिल्ली के चारों तरफ क्या पहुंच रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ खेडू तो इकट्ठा हो जाए. भाई वो वही कह रहा हूँ, अगर खेडू जो अलग अलग हो रहे हैं, मानो की सरकार उनको तोड़ रही है, उनकी आवाज बनने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी जो परेशानियों को आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं, ये किस प्रकार की चीजें, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि उनकी फसलें आधे रेट में बिखरी है, भाई पूर्ण रूप से उनको रेट मिले, बाजार भाव उनको मिले. जिस हिसाब से दूसरे फसलों की कीमतें बढ़ी हैं, दूसरी चीज़ों की उनकी फसलों की कीमतें भी बढ़े, तो ये सारे सवाल है. MSP जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर रखे उसके कम पर खरीदना हो, तो ये सारे सवाल है. भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि किसान आंदोलन कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है. हाँ तो भाजपा क्या कोई किसान संगठन की कोई उसकी को कमेटी की मेम्बर है क्या? वो तो आरोप लगाएगी. आपकी बात मानेगी ये सरकार, मानेगी? हाँ मानने की, क्यों नहीं मानने की, मान जाएगी. अभी टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे, 8 महीने सर्दी तक मान देगी. एक जात का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, इस चीज़ को क्या कहेंगे कांग्रेस की एंट्री के लिए? कहीं का कांग्रेस में आपकी एंट्री के लिए आपका शक्ति प्रदर्शन? नहीं, कांग्रेस की कहाँ एंट्री है, कांग्रेस की कहाँ एंट्री है, कांग्रेस वाले है कहाँ? ये तो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का. आपकी कांग्रेस में एंट्री करने के लिए? अरे हम कहाँ कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं, आपके आंदोलन बस ये चीज है. हम कौन कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं, तो किसानों का आंदोलन है. अच्छा, जो भी इसमें सहयोग देगा इसमें तो BJP वाले भी सहयोग दे रहे हैं. ठीक है सर, गुजरात की सरकार तो ये बोल रही है कि किसान दुखी नहीं है गुजरात में तो. हाँ 3 रुपए आलू बेच के 3 रुपए किलो में किसान दुखी नहीं है क्या? इतना टेरर बैठा रखा है गुजरात के सरकार ने किसानों पे कि 3 रुपए किलो आलू बिक के भी किसान ये कह रहा है कि दुखी नहीं है, जाके देखेंगे.